हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेयन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बड़ी बीमारी के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे देश यानी भारत में ही नहीं अपितु ये पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, यानी शर्करा रोग होता है, जिसको हिंदी में शर्करा रोग कहते हैं या तो शुगर की बीमारी कहते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो डायबिटीज होता है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी जो है समस्या बनती जा रही है, क्योंकि बहुत पहले 19वीं शताब्दी में जो है बहुत कम लोग को होती थी, हिंदुस्तान में बहुत कम लोग को होती थी, दूसरे देशों में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ना के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे ये सुविधाएँ बढ़ती गई, खान पान का जो है प्रचलन बढ़ता गया, जो लोग अपना घर का भोजन छोड़ करके बाहर खाने लगे, जो लोग मेहनत जो करते थे, शरीर से पसीना निकालते थे, वे लोग आराम करने लगे, खुले हवा में सोते थे, रहते थे, अब जो है कि एसी में रहने लगे, एसी कार में रहने लगे, एसी रूम में रहने लगे। तो इसकी वजह से जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल घटती गई और हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होता है वो बिल्कुल ख़राब होता गया। खा करके जो है दिन भर बैठे रहना, लेटे रहना, इसकी वजह से जो है डाइजेशन की समस्या होती गई। और खाने पीने में जो हम लोग पहले भोजन करते थे, जो घर का भोजन करते थे, घर का जो साग सब्जी अनाज मिलता था या दूध दही मिलता था या घी मिलता था, वो सब बिल्कुल अब तो मिलता नहीं है। बाजारू चीज़ सब लोग लाकर खाते हैं, बाज़ार की जितनी भी सब्जियाँ हैं, बाज़ार की जो है ये अनाज हैं, घी हुआ, इसके अलावा जो है फास्ट फूड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे लोग। तो फास्ट फूड के ज़माने में जो है जो बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, ये पकौड़ा, पकौड़ी जो भी है जंक फूड है, ये इसका इस्तेमाल करने से हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। इसकी वजह से जो है हमारा डाइजेशन ख़राब होने लगा, इसकी वजह से जो ऐसी समस्याएँ आने लगी। तो आम भाषा में मैं आप लोग को चलिए बता देता हूँ कि इसको जो है शक्कर की बीमारी कहते हैं या शर्करा रोग कहते हैं डायबिटीज़ को। यह जो है मनुष्य को धीरे धीरे जो है कमज़ोर करता है, उसके अंगों को कमज़ोर करता है। जैसे कि मान के चलिए हमारा लीवर पहले कमज़ोर होता है डाइजेशन की वजह से, इसकी वजह से उसके बगल में जो है अग्नाशय होता है, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाज पे असर पड़ता है। इसकी वजह से जो है हमारे शरीर में जो है शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा आपको आगे। मैं बता दूँ कि स्त्री और पुरुष का जो है एक संबंध दो का अनुपात होता है, यानी कि एक स्त्री को और दो पुरुष को होता है ये शुगर की जो रेशियो होती है। इसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो पहले से कल्चर है बदल चुका है, खान पान बदल चुका है, रहने का जो है जगने का सोने का दिनचर्या बदल चुका है। पहले लोग जो है सुबह में 4 बजे 5 बजे तक जग जाते थे, उठते थे, टहलते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपने खेतों में काम करते थे, शरीर से पसीना निकलता था और जो हमारे शरीर में रोग होता था पसीने के जरिए सारा निकल जाता था, जो टॉक्सिन होता था निकल जाता था, लीवर स्वस्थ रहता था, खाना अच्छे से पच जाता था, भूख भी लगती थी अच्छे से। लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ियां हैं या आजकल का जो मॉडर्न युग है, इसमें जो है लोगों का दिनचर्या ख़राब हो गया है। 12 बजे रात तक जगते हैं, 8 बजे 9 बजे तक सोते हैं। तो इससे होता क्या है कि इंडाइजेशन की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, अपच होने लगता है, किसी का लीवर फैटी होने लगता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि खान पान जो है बिल्कुल बदल चुका है, अब जो है हर भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाला होता है, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से लीवर ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा तेल खाने से जो होता है। आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं सादा भोजन करना नहीं चाहती हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है मीट मुर्गा मांस का भी प्रयोग करने लगे, इसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमारा लीवर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो भोजन होता है वो पच नहीं पाता है, वो सड़ने लगता है, इसके वजह से हमारा जो लीवर ख़राब होने लगता है, फैटी होने लगता है और शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। इसके वजह से जो है हमारा जो है अग्नाशय ख़राब होने लगता है, जो पैनक्रियाज होता है ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों, हमारा पैनक्रियाज जो होता है लीवर के जस्ट बगल में होता है, जब लीवर फैटी होता है तो ये इफ़ेक्ट पड़ने लगता है पैनक्रियाज पे, यानी अग्नाशय पे, और अग्नाशय में ही ये हार्मोन्स जो होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, उसमें यह बनता है यानी सेक्रेट होता है। तो दोस्तों, जब ख़राब होने लगता है अग्नाशय तो इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो होता है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जो
शर्करा की मात्रा हमारे सेल कोशिकाओं को मिलनी चाहिए, वो इंसुलिन ही हमारे जो है बॉडी में पहुंचाता है। इंसुलिन की सहायता से हमारी सेल कोशिकाओं तक जो है शर्करा की मात्रा जो पहुंचती है, अगर जब इंसुलिन कम बढ़ने लगता है तो जो शर्करा होती है यानी ग्लूकोज होता है वो जो है ब्लड में मिल करके हमारे शरीर में जाने लगता है, जिससे कि जो है शरीर हमारी जो है बेकार हो जाती है और कमज़ोर होने लगती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें जो है कैलोरी और ऊर्जा दोनों देता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें कैलोरी मिलती है और ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर में शक्ति आती है, ताकत आती है, जोश आता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बदल जाता है, और जो ग्लूकोज होता है ये इंसुलिन की सहायता से हमारी बॉडी में जो है पूरे सेल कोशिकाओं तक जाता है और हमारे मतलब बॉडी में एनर्जी प्रदान होता है, शक्ति प्रदान होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शर्करा में बदल जाता है और इंसुलिन की सहायता से हमारे सेल कोशिकाओं तक पूरे बॉडी में पहुँचता है। और जब हमारे शरीर में जो है इंसुलिन बनना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो यही जो है शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में जो है बहने लगती है और जो है एक प्रकार की ये शुगर की बीमारी हो जाती है। और जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है इसे ही डायबिटीज़ कहते हैं, या तो शुगर रोग कहते हैं या तो शर्करा रोग कहते हैं। चलिए मैं इससे आगे आप लोग को बता देता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति में जो शर्करा की मात्रा होती है हमारे शरीर में या रक्त में वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फास्टिंग जो होता है खाली पेट में एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में जो है रक्त की में जो है शर्करा की मात्रा 70 से लेकर के 110 mg प्रति dl होना चाहिए। याद कर लीजिए 70 से लेकर के 110 mg प्रति dl होना चाहिए। और भोजन के पश्चात यानी कि भोजन खाने के आधा घंटा बाद एक घंटा बाद 120 से लेके 140-145 mg प्रति dl होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होता है तो यह जो है शुगर रोग यानी डायबिटिक माना जाता है। चलिए पहले मैं आप लोग को बता दूं कि किस कारण से जो है शुगर रोग होता है यानी डायबिटिक रोग होता है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे कि हमारे अग्नाशय में जब इंसुलिन कम होने लगता है या कम बनता है या इंसुलिन की मात्रा घट जाती है तब भी जो है शर्करा जो है बढ़ जाता है और शुगर की बीमारी होने लगती है, डायबिटिक की बीमारी होने लगती है। और दूसरा होता है हार्मोन्स में परिवर्तन, जो हमारे बॉडी का हार्मोन्स होता है कोई भी हार्मोन्स हो T3, T4, TSH, FSH ये टेस्टोस्टेरोन कोई भी हार्मोन्स हो अगर घटने लगता है तो समझ जाइए कि हमारे शरीर में कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो हार्मोन्स घटने के मैं कुछ कारण बता देता हूँ। जो आजकल का खान पान है मेन खान पान होता है दोस्तों, और दूसरा जो है सोने जगने का दिनचर्या। बहुत सारे लोग होते हैं डे नाइट ड्यूटी करते हैं, इसकी वजह से भी होता है, या बहुत सारे लोग आ जाएं 12-1 बजे तक रात तक जगते हैं और सुबह तक सोते हैं 8-9-10 बजे तक, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं रहता है और जो है शरीर पे इफेक्ट पड़ने लगता है, लीवर पे इफेक्ट पड़ने लगता है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है। और मुख्य कारण यही होता है कि हमारे शरीर में जो है सही से जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जो पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है, तो इसके वजह से होता है। ऐसा तब होता है जब हमारा भोजन सही से हमारे बॉडी में नहीं पचता है। दूसरा मैं आप लोग को बता दूं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में पूर्ण रहता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तब भी ऐसा होता है कि उसको डायबिटिक हो जाता है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में जो है ज़्यादा तनावपूर्ण ज़िंदगी न जिए, बहुत ज़्यादा भागदौड़ की ज़िंदगी न दिए, और खान पान गलत न करें, गलत तरीके से न करें। बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग जो तेल मसाला मीट मुर्गा मछली का उपयोग करते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं, तो ऐसा न करें। और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का प्रयोग न करें, घर का भोजन करें और सलाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और सही टाइम से जगें, सही टाइम से सोएं। और एक उम्र का भी होता है इफेक्ट दोस्तों, जैसे उम्र बढ़ती है तब भी जो है डायबिटीज का एक कारण बनता है। और दूसरा जो होता है बहुत ज़्यादा जो लोग हाइटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं लोग, तो उनको भी ऐसी समस्याएं आने लगती है कि डायबिटिक होने लगता है। और नेक्स्ट जो है आराम की जो ज़िंदगी लोग जीते हैं, जो लोग एसी में रहते हैं, एसी में ड्यूटी करते हैं, एसी में आते जाते हैं, ऑफिस में जो है बैठे बैठे ड्यूटी करते हैं, या घर पे भी कोई काम नहीं करते हैं, शरीर से जो पसीना नहीं निकल पाता है जिसकी वजह से टॉक्सिन हमारे बॉडी में रह जाता है, तो इसके वजह से भी ऐसा होता है। कुपोषण के कारण भी बहुत सारे लोग को जो है डायबिटिक हो जाता है। जो लोग कुपोषित होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहते हैं, पोषण सही से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी जो है
डायबिटीज़ हो जाती है। और नेक्स्ट है दोस्तों, जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग कर लिए हैं, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है, क्योंकि उसके वजह से भी हमारे शरीर के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, लीवर पे इफेक्ट पड़ने लगता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ने लगता है, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। शुगर दोस्तों मुख्यतः जो है तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, इसमें इंसुलिन नमक जो हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में नहीं बन पाता है, और जिससे ग्लूकोज जो होती है हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, हमारे सेल कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाते, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिल पाता, इसकी वजह से हमारे शरीर जो है कमज़ोर होने लगती है। या प्रायः जो है किशोरावस्था में होता है, जो लोग किशोरावस्था में होते हैं ऐसे लोगों को जो है इस टाइप 1 की जो है डायबिटीज़ होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोग को होती है जो, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें भी इंसुलिन तो बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है हमारे रक्त में जो है मिल करके हमारे बॉडी में जो है पूरा चला जाता है, और इसको जो है रक्त शर्करा कहते हैं, और हमारे रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है अनियंत्रित हो जाती है। यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और बता दूं कि यह जो है 90% लोगों में पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है 90% लोगों में ही पाया जाता है। तो तीसरा जो होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, ये उन महिलाओं को होता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था के दौरान जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, ऐसे महिलाओं को कभी कभी किसी को होता है। ये टाइप 3 डायबिटीज़ है। तो मैंने बता दिया तीनों को, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके लक्षण, जो डायबिटिक के लक्षण है। तो मैं बता दूँ कि इसमें होता है बार बार जो है पेशाब लगती है जो पेशेंट होते हैं, और रात में अधिकतर जो है पेशाब लगती है, और जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ पे चीटी चीटियाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपट जाते हैं, अगर इस तरह से खाली स्थान में करें तो बार बार पेशाब लगती है, रात के समय में ज़्यादा पेशाब लगती है, और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और मुंह सूख जाता है अंदर से, होठ भी सूख जाते हैं, बार बार प्यास लगती है फिर भी मुंह जो है सूख जाता है, और मुंह पे जो है चेहरे पे भी सूखापन रहता है। अत्यधिक भूख भी लगती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको अत्यधिक भूख भी लगती है, और पूरे शरीर में जो है खुजली होती है, जो इचिंग होती है पूरे शरीर में होती है, चूहन टाइप होने लगती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा जो है वज़न घटने लगता है, धीरे धीरे देखेंगे कि वो बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, मेंटली कमज़ोरी हो जाती है, फिजिकली कमज़ोरी हो जाती है, वे बिल्कुल जो है अस्वस्थ हो जाते हैं। और पहली बात तो जल्दी से कोई भी रोग उनको ग्रसित कर लेता है, वो इम्यूनिटी पावर जो होती है उनकी घट जाती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है घट जाती है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई काम करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई काम करने हैं सांसें फूलने लगती हैं, और मैं बता दूं कि पैरों में भी सुन्नपन होने लगता है, कोई चोट वोट लग जाती है तो घाव जल्दी से सूखता नहीं, शुगर होने की वजह से रक्त में जो है शर्करा की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से घाव जल्दी से सूखता नहीं है, और जो महिलाएं होती हैं माहवारी के समय में भी उनको कष्टदायक माहवारी होती है। तो ये उसके लक्षण है दोस्तों, मैंने आप लोग को बता दिया कैसे होता है और लक्षण क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में आप लोग को बताया कि इसका सिम्टम क्या है, इसका लक्षण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, अपने इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल बता दिया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्कार।